क्लास सेवन्थ, आज हमने इसकी एक्सरसाइज 7.2 करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के बेसिक बताने लगा हूँ कि कांगुरेंस फिगर क्या होती है, वो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। आज मैं आपको बताऊँगा कांगुरेंस के चार क्राइटेरिया होते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं? ट्राइंगल्स को लेके चार क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SSS, ठीक है। क्या क्राइटेरिया हुआ एक? SSS मतलब साइड साइड साइड। दूसरा होता है SAS, इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड। पहले का क्या मतलब था? तीन एस थे ना, साइड साइड साइड, फिर अगले का क्या? साइड एंगल साइड। अगला जो है वो है ASA, सामने, मतलब पता चल रहा है क्या? एंगल साइड एंगल, और एंड में RHS, राइट हैंड साइड। नहीं समझना इसको, RHS का मतलब यहाँ पे किया है ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, एनी साइड, ठीक है। अब इनके क्या मतलब होते हैं और इनको कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो। पहला क्राइटेरिया क्या मैंने बोला? SSS। अगर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है? SSS। तो वो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? आपस में कॉन्कोरेंट हो जाते हैं। फिर है SAS, दो ट्राइंगल हैं, दो साइड हैं और एक एंगल, बराबर हो तो उसमें क्या क्राइटेरिया लगाते हैं? SAS। फिर आगे है ASA, इन दो ट्राइंगलों में दो एंगल और एक साइड बराबर आ जाए। और RHS में एक एंगल 90 डिग्री का हो दोनों ट्राइंगल्स में, उन दोनों की हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो और एनी साइड बराबर हो, तो तब भी वो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्कोरेंट हो जाते हैं। अब पहले क्वेश्चन के हैं चार पार्ट, इन चारों पार्ट में इन्हीं में से कुछ एग्जिम लगते जाएंगे, कौन सा एग्जिम लगेगा वो लगाते जाओ। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन गिवन, किसकी बात हो रही है? ACDF, साइड की बात हो रही है, साइड AC इक्वल टू साइड DF। तो को क्या लगा? ये साइड की बात हुई, S लगाया ऐसे समझाने के लिए। AB इक्वल टू DE, साइड AB इक्वल टू साइड DE, इधर भी साइड की ही बात हो रही है। साइड BC इक्वल टू साइड EF, इधर भी तो साइड की ही बात हो रही है। तो कितने S आ गए? तीन S आ गए। तो यहाँ पे आपने कौन सा लगाया एग्जियम? SSS एग्जियम, एग्जियम लिख लो या क्राइटेरिया लिख लो, मर्जी है आपकी, जो भी लिखना है। पता चला क्यों SSS आया? क्योंकि यहाँ पे भी साइड की बात हो रही थी, इधर भी साइड की बात हो रही है और इधर भी साइड की बात हो रही है, इसलिए कौन सा आया? SSS। अगले पार्ट की बात करते हैं, ये देखो ZX इक्वल टू RP, ये तो साइड की बात हो रही है, एक साइड आ गई। ये किसकी बात हो रही है? RQ इक्वल टू ZY, ये भी तो साइड की बात हो रही है, साइड RQ इक्वल टू साइड ZY। कहाँ पे है RQ? ये देखो ना, ये RQ और ये क्या है? ZY। और ये एंगल का निशान लग रहा है, ये देखो एंगल PRQ, R एंगल को देखा जाता है जो बीच में होता है, पता है इस चीज़ का? एंगल PRQ इक्वल टू XZY, ये बीच वाला क्या होगा? Z। तो इधर एंगल की बात हो रही है, तो देखो दो साइड है और एक एंगल, तो ये नहीं लगेगा क्या? SAS नहीं लगेगा क्या? दो साइड है और एक एंगल, तो कौन सा एग्जिम लगा इसमें? SAS एग्जियम हो गया। पता चला? आप देखो ये वाला, देखो एंगल का निशान लगा हुआ है, एंगल की बात हो रही है, इधर किसकी बात हो रही है? एंगल की, और इधर साइड की, तो क्या है? दो एंगल और एक साइड, कौन सा लगेगा? ASA लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या है इधर? ASA एग्जियम। ये तो मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, ये नहीं आपने लिखना है, आपने ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये इनके आंसर्स देते जाने हैं, ASA, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये आंसर देना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आए ये। अब ये देखो ये क्या है? EB इक्वल टू DB, कहाँ पे है EB? ये EB
और ये डी बी, ये डलान जो ट्राइंगल की होती है सर राइट एंगल में, ये हाइपाटन्यूज होता है, ठीक है। ये हाइपाटन्यूज बराबर आ रहा है दोनों का, ए इक्वल टू बी सी, कहाँ पे ए ई, ए ई साइड इक्वल टू बी सी साइड के बराबर, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, एनी साइड, और ये देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के, तो ये राइट एंगल है दोनों। क्या बना, आर एच एस एक्सियम, हाँ बताओ, पता चला नहीं पता चला? Yes, तो आसान था बहुत, इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। आपने सिर्फ इन क्राइटेरियाज को याद रखना कि कॉन्ग्रुएंस के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन सा, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। अब इसी का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू भी ले लेंगे। तो इसको सेट करता हूँ पहले मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे अब हम, ये भी इजी है क्वेश्चन, सेट करना था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर टू में ये दो आपको फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल है ए आर टी और दूसरा ट्राइंगल है पी ई एन, ठीक है। ये दोनों देखनी है आपने, और उसने आपको दे रखा है, खुद ही दे रखा कि दोनों ट्राइंगल कांगुरेंट है, कौन कौन सा, ए आर टी, ये कांगुरेंट का साइन है, किसके कांगुरेंट है, पी ई एन। जब इनको समझना, बुक सामने रखना, फिर वो कहता है कि अगर आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहते हो, एस एस एस, एस 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 में क्या होता है, साइडों को लेना होता है ना तीन बार, तो देखो ए आर किसके बराबर होगा, इसको देखना है, ए और आर, ए पहली पोजिशन पर, आर दूसरी, तो इधर किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर। कैसे पता चला पी ई के बराबर, ए आर पहली दूसरी, इधर से पहला दूसरा ले लेना है, उसके बाद देखो आर टी किसके बराबर होगा, दूसरा तीसरा, इधर से क्या आएगा, ई एन, हाँ ई एन के बराबर होगा। फिर ये क्या, ए टी पहला तीसरा, क्या आएगा, पी एन आ जाएगा, खत्म। ये एस 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 एग्जाम आ गया। अब वो कहता है इफ इट इज गिवन दैट कि एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, कहाँ पे है, ये रहा एंगल टी और ये रहा एन, अगर ये आपस में क्या बराबर है, एंड यू आर टू यूज एस ए एस एक्सियम लगाना है आपने, क्या लगाना है आपने, एस ए एस, एंगल तो उसने पहले ही बराबर दिया हुआ है, दो साइडें कौन कौन सी बराबर होंगी, किसके, आर टी किसके बराबर होगी, दूसरी तीसरी, इधर से दूसरा तीसरा ले लो, ई एन के बराबर, समझ आया, वो तो इधर भी किया था आपने फर्स्ट पार्ट में, आर टी इक्वल टू एन, और पी एन किसके बराबर होगा, पी एन पहला तीसरा, और ये किसके बराबर होगा, ए टी के बराबर होगा, ठीक है, पता चला। उसके बाद इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन, ए टी जो है वो पी एन के बराबर दिया हुआ है, एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, आपको दो एंगल, क्योंकि देखो साइड उसने पहले ही बराबर दी हुई है, ए टी इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, पी एन के बराबर दिया हुआ, दिया हुआ नहीं, ए टी किसके बराबर, पी एन के बराबर, ए टी और पी एन, तो कौन से एंगल जो हैं वो आपको बराबर करने पड़ेंगे, एक तो ये होगा एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर, इन्हीं के ऊपर जो दो एंगल आएंगे ना इस साइड के ऊपर, ए के ऊपर क्या आएगा, पी, और टी के ऊपर क्या आएगा, एंगल टी के ऊपर क्या आएगा, ये देखो ना, इधर से देखो ना, एंगल एन नहीं आएगा क्या, हो गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपने कर लेने हैं कापियों पे, इसको पहले ध्यान से समझना आपने, फिर कापियों पे इसको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है।